हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला एपिसोड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अश्मी में। मेरा नाम है अभिषेक अश्मी। और ज़्यादा वीडियो को लंबा न खींचते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि दो ट्रांसफार्मर है मेरे पास, एक ख़राब है और एक बढ़िया है। एक अपना वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है और एक अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। तो अब इन दोनों ट्रांसफार्मर को हम लोग चेक करें कैसे करेंगे, मल्टीमीटर से। कई लोगों को बिजली का भी डर रहता है और भी बहुत सारे कारण हैं, और थोड़ा इजी भी रहता है अगर आप मल्टीमीटर चेक से चेक करते हैं। तो आपको सबसे पहले मेरे जैसा ये जो मल्टीमीटर है, इस टाइप का एक मल्टीमीटर आपको होना चाहिए आपके पास। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स, कि ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और जो नीचे सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर पोस्ट मैं जब भी डालूँ आप उसको देख पाओ। मैं अपना 2 सेकंड आपका टाइम लूँगा बस, कि मैं अपने इस चैनल पर हर चीज़ हिंदी में बिल्कुल बताऊँगा। मतलब ये नहीं कि जाकर डायग्राम बनाकर अल्फ़ा बीटा गामा ये सब मुझे नहीं करना आता। मैं सीधे बताऊँगा ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं, ठीक है कि ख़राब है। हाथ में मल्टीमीटर होना चाहिए, कोई ज़्यादा आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जो इंटरेस्टेड हैं, मैं हाई फाई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही उसमें बता दूंगा कि हाँ भाई, इसमें आपको अच्छे खासे डायग्राम और सर्किट के थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चेक करने के लिए हमारा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स जो हैं, ये जो दो तार हैं इसे प्रोब्स बोलते हैं, तो ये प्रोब्स को लगा देंगे एक वोल्टेज में और एक कॉमन में। देख सकते हैं कि हाँ, वोल्टेज और कॉमन है, इसमें लगा देंगे और इस मल्टीमीटर को घुमाकर यहाँ पर जो ये एक वाईफाई जैसा साइन बना हुआ है, जैसे कि आप देखिए, तो ये जो साइन बना हुआ है यहाँ पर, ये प्लस, ये डायोड का साइन है, इसे घुमाकर हम इसे यहाँ पर कर देंगे। ये हमारा मल्टीमीटर पर इस तरह से 1 लिखा हुआ जाएगा। तो मल्टीमीटर को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे आपको इसमें कुछ लिखे होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जब आप इस दोनों प्रोब्स को सटाइएगा तो इस तरह से इसमें एक बीप बजेगा, बस इसी से हमारा ट्रांसफार्मर चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने इस ट्रांसफार्मर को देखते हैं, हमें क्या करना है ट्रांसफार्मर में। जैसे ये मेरा 12012 का ट्रांसफार्मर है और ये भी 12012 का ट्रांसफार्मर है। आप 24024 भी हो सकता है, 30030 भी हो सकता है, 45045 भी हो सकता है। सब में चेक करने के तरीका बिल्कुल सेम है, कि एक तरफ दो ये वायर रहती हैं, ये दोनों वायर यहाँ पे बिजली जुड़ता है, और ये दो तीन वायर हैं, इसमें 12 सेंटर वाला 0 और फिर 12 इस तरीके से है। तो फिर हम इस डीसी सप्लाई को पहले चेक करेंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही है। किसी भी आप सबसे बेस्ट रहेगा तरीका कि आप सेंटर वाला रेड ले लें, सेंटर वाली तार ले लें और दोनों साइड सटा कर देख लें कि ये अगर बजर बजा तो मतलब ये वायरिंग इसकी ठीक है, नहीं बजा तो ख़राब है। देख सकते हैं बजर बज रहा है, मतलब ये वायरिंग शॉर्ट नहीं है, और ये बजर दबाएंगे लगाएंगे तो ये भी शॉर्ट नहीं है। अब ये दोनों येलो वाले को भी जल्द से लगा कर देख लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि हमारी जो चेंज होकर जो ये रेगुलेट होकर जो ये वायरिंग आ रही है, ये बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। ये 12012 का इधर जो ये तीन वायर निकले हुए हैं, ये आपस में शॉर्ट नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं ये इस साइड को। एसी वाले साइड में आपको बता दूं दोस्तों कि एसी वाले साइड में बीप नहीं बजेगा, एसी वाले साइड में आपको कुछ रीडिंग्स आएंगी। अगर यहाँ पर रीडिंग आती है तो मतलब ये साइड ठीक है, अगर रीडिंग नहीं आती है तो ये साइड गड़बड़ है। तो चलिए हम लगाकर इसको भी देख लेते हैं। ये हमने लगा दिया और ये यहाँ लगा दिया, ये देखिए रीडिंग नहीं आ रही है, देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है लगाने के बाद। इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर जो है ख़राब है। और किस साइड से ख़राब है? इसकी बाइंडिंग एसी साइड से ख़राब है। डीसी साइड से इसकी बाइंडिंग कम्प्लीटली ठीक है, एसी साइड से इसकी बाइंडिंग ख़राब है, तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। अब मेरे पास जो ये ट्रांसफार्मर, मैं दिखा देता हूँ आपको कि एसी साइड की बाइंडिंग में अगर आप लगाओगे तो रीडिंग आती है। ये देखो, ये देखो, ये रीडिंग आ रही है, 1 आ रही है ना, तो इस तरीके से रीडिंग आएगी। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर ख़राब है। अब इसका हम लोग ये साइड देखते हैं, ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है, और दोनों को भी सटा के देख लेते हैं। ये भी ठीक है, तो ये ट्रांसफर पर पूरी तरह से ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर आप अपने ये जिधर से हम लोग पावर देते हैं इसको, ये वाले से अगर इसको सटाएं और उसमें अगर कोई किसी तरह की बीप आती है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर अंदर से शॉर्ट है, ये भी बता दें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। और मैं आने वाले वीडियो में इसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डालूंगा, जिसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों इंक्लूड होंगे। मैं रोबोटिक्स पे भी बनाऊंगा वीडियोस, एम्पलीफायर्स पे भी बनाऊंगा, ऑडियो एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, हर तरीके के वीडियो आने वाले हैं। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, काम ही करेगा आपको। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।